प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की दो दबंग मुस्लिम महिलाओं को, जहां पे एक तरफ आप देखेंगे पत्रकार यास्मीन हफीज जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया अली खान जी, और ये दोनों आड़े हाथों लेंगी टीएमसी की मंत्री नुसरत जहां को। जैसे कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कितनी बड़ी घटना हुई है, तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे ये दोनों डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। जय हिंद जय भारत। ऐसा ही यास्मीन के क्या इन सारी बातों को बयान करने के बाद जो देवबंद जमात के मौलाना है वो ममता बनर्जी का ईद की नमाज में मर्दों की भीड़ में जाना बंद करवाएंगे? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नुसरत रूही जहान जैन पर फतवा जारी करेगा? और 5 फरवरी से लेकर के आज 19 फरवरी हो गया, कंटिन्यूसली बयान कर रही हैं। आप उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हैं, भारत का वो मुसलमान जो मुंह से वंदे मातरम ना बोलता हो, पर वो नुसरत रूही जहान जैन का टिकटॉक, अश्लील टिकटॉक जरूर देखता है। 2024 के 5 फरवरी से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली बशीरहाट का एक क्षेत्र है संदेश खाली, वहां की महिलाएं रो रही हैं, कलप रही हैं, और पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली खून के आंसू रो रही थी, क्योंकि शेख शाहजहां के बिस्तर पर जो माँ खिलौना बनी थी, उसकी बेटी भी खिलौना बनी, उसकी नतनी भी खिलौना बनी। तो मेरा तो पूरा हाथ भी किसी ने नहीं देखा होगा, भारत के किसी भी मौलवी ने, मेरे ऊपर तो फतवा जारी कर देते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2012 से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को रोड पर नंगा करने की चेष्टा की जा रही है, और हर वो महिला जो वंदे मातरम छाती चौड़ा करके बोलती हो, जो भारत माता की जय छाती चौड़ा करके बोलती है, जो संविधान को के दायरे में चलती है, जब मैं ये बात सच्चाई सामने रखती हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे नाजिया तो इस्लाम के खिलाफ है। अच्छा, मैंने क्या काम किया इस्लाम के खिलाफ का? जो नुसरत रूही जहान जैन, जिसको महिला मुसलमान सांसद बना करके बशीरहाट में भेजा गया है, ये कौन सा इस्लाम फॉलो कर रही है? संदेश खाली की महिलाएं बहुत डरी हुई थी, पर जैसे ही उन्होंने देखा कि ईडी आ गई है, मीडिया एंटर कर रहा है, तब उनको लगा कि अब पुलिस तो उनकी सुन नहीं रहा था, उन मासूमों की तो पुलिस सुन नहीं रहा था, पुलिस तो शेख शाहजहां का, उसके बाद उत्तम सरदार का, उसके बाद फिर शिबू हाजरा। राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, खुद वकालत के बारे में जानती हैं, उन दावपेचों के बारे में जानती हैं जो सब चल रहा है, जो हम सब देख रहे हैं न्यूज में, ट्रांसपेरेंटली तमाम वहां की जो सिचुएशन है वो सामने आना जरूरी है लोगों के, और उस पर हम आपसे बात करना चाहते हैं कि ये संदेश खली में क्या हुआ है, प्लीज हमारे सामने रखें ये तमाम जो पूरा मुद्दा सामने आया है, महिलाओं की जिस तरह से कहानियां सामने आ रही हैं जो उन्होंने खुद बयां की हैं, काफी खौफनाक हैं, देखकर अफसोस हो रहा है कि ये सब चल रहा था और अब तक सामने नहीं आया था। जी ऐसा ही यास्मीन के क्या इन सारी बातों को बयान करने के बाद जो देवबंद जमात के मौलाना है वो ममता बनर्जी का ईद की नमाज में मर्दों की भीड़ में जाना बंद करवाएंगे? क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नुसरत रूही जहान जैन पर फतवा जारी करेगा? क्या तमाम मुस्लिम समाज के ठेकेदार नुसरत रूही जहान जैन को इस्लाम से बेदखल करेंगे? क्या हमारे भारत में बैठे हुए मुसलमान समाज के तमाम ठेकेदार क्या इस बात को मंच पर, हर एक सोशल प्लेटफॉर्म पर कहेंगे कि जो हो रहा है बंगाल में महिलाओं के साथ वो गलत हो रहा है? मैं तो बयान कर रही हूँ, और 5 फरवरी से लेकर के आज 19 फरवरी हो गया, कंटिन्यूसली बयान कर रही हूँ। आप उत्तर प्रदेश में बैठी हुई हैं, उत्तर प्रदेश में आप खुले आम रात में, दिन में, दोपहर में घूम रही हैं, टहल रही हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल चला रही हैं। आज उत्तर प्रदेश की मुसलमान और हिंदू और हर धर्म की बेटियां जब अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, तो क्या योगी जी के लिए मुंह से दुआएं नहीं निकलती हैं?
निकलती होंगी। भारत का वो मुसलमान जो मुंह से वंदे मातरम ना बोलता हो, पर वो नुसरत रूही जहान जैन का टिकटॉक, अश्लील टिकटॉक जरूर देखता है। भारत का मुसलमान वंदे मातरम बोलने से हिचकिचाता है, पर नुसरत रूही जहान जैसे आधी चड्डी में टिकटॉक बनाने वाली महिलाओं को वोट करके आराम से पार्लियामेंट भी भेज देता है। मैं बताना चाहूंगी कि 5 फरवरी से 2024 के 5 फरवरी से पश्चिम बंगाल के संदेश खाली बशीरहाट का एक क्षेत्र है संदेश खाली, वहां की महिलाएं रो रही हैं, कलप रही हैं और पिछले 8 साल से कंटिन्यूसली खून के आंसू रो रही थी, क्योंकि शेख शाहजहां के बिस्तर पर जो माँ खिलौना बनी थी, उसकी बेटी भी खिलौना बनी, उसकी नतनी भी खिलौना बनी, उसकी पोती भी खिलौना बनी है शेख शाहजहां के बिस्तर। मैं आपको बताना चाहूंगी कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के एक नारायण गोस्वामी एमएलए हैं अशोक नगर के नॉर्थ 24 परगना के, जब ये महिलाएं कैमरा के सामने आकर के अपने अपनी अपनी तकलीफ और अपने दर्द को बयान कर रही थी, तो अशोक नारायण टीएमसी के जो एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, जिनको लॉ मेकर कहा जाता है संवैधानिक तरीके से, उनका कहना है कि वो महिलाओं को पहचान जाते हैं उनकी उनकी कमर देखकर, उनकी छाती देख करके, उनके चमड़े का रंग देख करके। कमर अगर पतली होगी, छाती अगर छोटी होगी और चमड़े का रंग अगर गोरा होगा तो वो बंगाली महिलाएं नहीं है। जो महिलाएं कैमरे के सामने आकर के बात कर रही हैं, उनकी कमर पतली है, छाती छोटी छोटी है और कलाइयां भी पतली हैं, तो वो बंगाली महिलाएं नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो बाहर से महिलाओं को लेकर के आया है और कैमरे के सामने ये सारी बातें बुलवा रहा है। अब मैं बताना दिखाना चाहूंगी कि 5 फरवरी से और पिछले 8 साल से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, जिस क्षेत्र की संदेश खाली की महिलाएं झोली पसार करके अपने घर की बहु बेटियों की इज्जत की दुहाई मांग रही है, इंसाफ मांग रही है, वहां की सांसद हग डे, टेडी डे, वैलेंटाइन डे, चॉकलेट डे, रोज डे में बड़ी व्यस्त है और मुसलमान है ये। तो नहीं, पूरा देखिए, अच्छा इनको इस सब की फुर्सत है, वाह, ठीक है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इनके ऊपर फतवा नहीं जारी होना चाहिए? मेरा तो पूरा हाथ भी किसी ने नहीं देखा होगा, भारत के किसी भी मौलवी ने, मेरे ऊपर तो फतवा जारी कर देते हैं। अच्छा, ये इनके कोई पहले बॉयफ्रेंड या हस्बैंड नहीं है? इनका जो पहला मंगेतर है वो 2012 में बलात्कार किया था एक क्रिश्चियन लड़की का, कादिर खान। इनका दोस्त है नासर खान, जो रेमिशन ग्राउंड पर बलात्कार के केस में बाहर है, जो ममता बनर्जी बिल्कुल बानों के लिए छाती पीटती रहती हैं हमेशा, उनके राज में कई मुसलमान बलात्कारी रेमिशन ग्राउंड पे बाहर है। इनका दोस्त बलात्कारी, इनका मंगेतर बलात्कारी, फिर जैन से इन्होंने शादी किया, इन्होंने ओथ लिया पार्लियामेंट के अंदर, आमिर नुसरत रूही जहान जैन रोइला, मतलब मैं वो नुसरत रूही जहान जैन है। और उसके बाद फिर उनका मन भर गया जैन साहब से, तो भारत आने के बाद उन्होंने कहा कि वो शादी तो विदेश में हुई थी इसलिए मैं वो शादी मानती नहीं हूँ। उसके बाद अचानक से प्रेगनेंसी का इन्होंने अपना ट्वीट किया और अपने बॉयफ्रेंड का बच्चा इन्होंने बताया कि भाई वो प्रेग्नेंट है अपने बॉयफ्रेंड के बच्चे से, और अब वैलेंटाइन डे मनाती हुई दिखाई दे रही है और 10 लाख से ऊपर महिलाएं रोड पर अपने अपने इंसाफ की भीख मांग रही है, और ये विदेश में, भारत से बाहर, ये विदेश में अपना फोटोशूट करवा रही है। तो कहां मर जाते हैं मौलवी मुल्ला, जब ये आधी चड्डियों में टिकटॉक बनाती हैं और लुंगी वालों का लुंगी गरम करती हैं, तो उस वक्त फतवा याद नहीं आता है या फतवा भूल जाते हैं या जानबूझ करके भूल जाते हैं? ऐसा कुछ अगर है तो ये भी सामने आ जाएगा, सच कभी छुपता नहीं है। अब आती है बात कि पश्चिम बंगाल में 2012 से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, महिलाओं को रोड पर नंगा करने की चेष्टा की जा रही है, और हर वो महिला जो वंदे मातरम
छाती चौड़ा करके बोलती हो, जो भारत माता की जय छाती चौड़ा करके बोलती है, जो संविधान को के दायरे में चलती है, वही महिलाएं ममता सरकार के आड़े हाथों। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाज़िया जी ने आपको ग्राउंड रियलिटी बताई कि पूरे पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और आपने हालात देखे कि कैसे वहां पे हिंदुओं के साथ, खासकर हिंदू महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है और टीएमसी के जो नेता हैं वो अपनी जिंदगी मजे से जी रहे हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।